जी अब हम 7.7 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि डाटा क्या गिवन है। तो हम इसके सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ मास 1000 ग्राम stands on horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface and the density. यानी हमें एक uniform block दिया हुआ है और उसकी जो volume है वो दिया हुआ है और इसको longest edge पे खड़ा किया हुआ है और उसका जो mass है वो 1000 ग्राम है। हम लोगों ने जो चीज़ें find करनी है वो pressure है उस block का और जो surface पे लग रहा है pressure, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो डेंसिटी है इसकी। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में जो डाटा है वो लिखता हूँ। जो हमें सबसे पहली चीज़ दी हुई है वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में दिया हुआ है वॉल्यूम, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो ये हमें जो गिवन है वो ये है कि 20 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। इसको मैं ज़रा सिंपल करके लिख लेता हूँ। ये 20 × 10⁻²⁪ मीटर, फिर 7.5 × 10⁻²⁪ मीटर, फिर 7.5 × 10⁻²⁪ मीटर। तो 20 × 7.5 × 7.5 और × 10⁻⁶, ये वाला और ये वाला, ये 10⁻⁶ बन जाएगा और मीटर यहाँ पे एक, यहां पे दो, यहां पे तीन, पे ये क्यूबिक मीटर बन गया। ये हमारा वॉल्यूम है। जो नेक्स्ट चीज हमें पता है वो मास है हमारी। मास कितना दिया हुआ है? मास इज इक्वल टू, यू समझ लें मास को हम लोग एम से नोट करते हैं और वो 1000 ग्राम दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 1000 ग्राम है इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 1 किलोग्राम है, यानी 1000 पे इसको डिवाइड कर देंगे और 1000 से जरूर दे देंगे 1000 से। तो मैं इसको लिखता हूँ ऐसे और फिर ऐसे और ये हो गया ग्राम। तो ये वाला मिलकर इसके साथ किलोग्राम बन जाएगा, किलोग्राम, और इसने जब इसके साथ डिवाइड होना है तो ये 1 बच जाएगा। तो 1 किलोग्राम हमारे पास मास है। और हम लोगों ने जो दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हम लोगों ने फाइंड करनी है जो यहाँ पे प्रेशर है और दूसरा हम लोगों ने फाइंड करना है कि यहाँ पे डेंसिटी इसकी कितनी है। तो मैं लिखता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और डेंसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों के सिंबल सेपरेट हैं, सेपरेट सिंबल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर फाइंड करते हैं। तो फार्मूला उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रेशर का क्या फार्मूला होगा। प्रेशर जैसा कि हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इसका फार्मूला है। प्रेशर हमें पता है फाइंड करने के लिए और फोर्स जो है यहाँ पे हमें फोर्स का नहीं पता लेकिन मास दिया हुआ है तो इसके वजन के बराबर ही इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो मैं इसके वजन जो है ना फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी लगा देता हूँ। एफ इज इक्वल टू उतना ही फोर्स होगा जितना कि उसका वेट होगा, वजन होगा। तो वेट का फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, वो हमने यहाँ पे फोर्स की जगह यूज कर लिया, फोर्स हमें नहीं पता थी। हाँ मास में पता है और जी की वैल्यू अंडरस्टूड है जो 10 जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होती है। एरिया भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि मास 1 है और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे हमें एरिया तो नहीं कहीं पे भी पता, वॉल्यूम पता है, तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हमें इसकी ना डायग्राम प्लॉट करनी पड़ेगी और डायग्राम से ही हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी साइड इसको पुश कर रही है। जैसे उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो लॉन्गेस्ट एज है उसके ऊपर उसको खड़ा किया गया है। तो मैं इसको ये कहता हूं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो क्यूब है ना वो इस तरह की शक्ल का है। तो लेट्स सपोज वो ये एक डायग्राम हमारे पास बन रही है, इसकी ये साइड एक क्यूब इसको हमने प्लॉट कर दिया है। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो जिस साइड से बेस पे ये पड़ा हुआ है नीचे, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों ना 7.5 सेंटीमीटर होंगी क्योंकि लॉन्गेस्ट एज जो है ना वो वर्टिकल है, तो ये 20 सेंटीमीटर होगी।
तो ये प्रेशर जो है ना वो ये दो साइड से सतह को फेस करेंगे नीचे वाली, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब जो एरिया मेरा होगा वो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 होगा। तो हमें ये 20 सेंटीमीटर एरिया के लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ये हम वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा मैं यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करूंगा तो ये दोनों मैं यहाँ पे लिखूंगा, 7.5 जो सेंटीमीटर है और फिर 7.5 जो सेंटीमीटर है। मतलब ये ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा और जो नीचे है 7.5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और जो सेंटी होता है वो हमें पता है 10^-2 है, तो दो दफा सेंटी का मतलब हो गया ये -4 है और मीटर का मतलब हो गया ये मीटर स्क्वायर है। लिहाजा आप इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ तो जो मेरे पास ऊपर मैंने 10 लिखना है, नीचे मैंने 7.5 का स्क्वायर लिखना है और -4 लिखनी है। याद रखें जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों ने ब्रैकेट्स यूज करनी है नीचे डिवीजन के साइन के बाद कैलकुलेटर में, तब हमें गलती आने के चांसेस कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लिहाजा जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर बचता है वो 1778 और पास्कल इसका यूनिट होता है प्रेशर का। यानी अगर मैं इसको सॉल्व आउट करना चाहता हूँ तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो मीटर स्क्वायर है ये सारा सॉल्व करने के बाद आप डायरेक्ट पास्कल भी लगा सकते हो। और जो दूसरी है चीज हमने फाइंड करनी वो डेंसिटी है, तो डेंसिटी का मैं फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मास ओवर वॉल्यूम। और फिर कैलकुलेशन में हम लोग दोबारा से उसी तरह से कैलकुलेशन जब परफॉर्म करेंगे तो हमें पता है कि जो मास है ना वो 1 है और जो वॉल्यूम है वो यही अभी जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, सिंप्लीफाई किया है, ऐसे यूनिट्स में इसको कन्वर्ट किया है, यही वॉल्यूम हम यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 7.5 फिर मल्टीप्लाई 7.5 और हमें पता है कि इसके साथ जो 10 की पावर है वो -6 आ रही है और क्यूबिक मीटर है। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से इसको हल करने के बाद क्या आंसर आएगा। ऊपर तो 1 है सिंपल और नीचे की सारी रकम को हमने मल्टीप्लाई करना है और ये हमने चेक करना है कि इसका वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो क्या बनता है। तो मैंने पहले ऊपर 1 लिखना है, फिर मैंने डिवाइड का साइन दबाना है, फिर मैंने ब्रैकेट लगानी है और मैंने ये सारी रकम लिख देनी है, फिर मैंने -6 या आप इसको एक्सपोनेंशियल 10^4 की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं ई और एक्सपेंड करते हैं इसको -6 तक, 10 भी हमारा काफ़ी हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है लेकिन यहाँ पे डेंसिटी हमने फाइंड की है सारी कैलकुलेशन के बाद, वो मेरे पास बनती है 889 और ये किलोग्राम और ये वाला ऊपर जाके पर क्यूबिक मीटर बन जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो एक दफा मैं इसका रिव्यू हम लोग लेते हैं, क्या है रिव्यू। हमें बताया गया था एक ब्लॉक है उसका वॉल्यूम ये सेंटीमीटर में 3 साइड दी हुई है, तो हमने उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर की जगह पे -2 -2 -2 लगा दिया, फिर मैंने मीटर से लहर लगा दी। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमने सेपरेट मल्टीप्लाई करने हैं और जो 10^-2 है ये वाली -2 और ये वाली -2 इसको मैंने -6 बना दिया है क्योंकि बेस अगर बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है। और हमें मास कितना दिया हुआ था, मास 1000 ग्राम दिया हुआ है, 1000 ग्राम मतलब हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 10^+3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और जब डिवाइड किया तो ये 1000 से कैंसिल आउट होकर 1 बच जाएगा और ये वाला 10^3 किलो बन जाएगा, तो किलोग्राम बन गया। दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, यानी हम लोगों ने प्रेशर फाइंड करना है और हम लोगों ने साथ ही साथ डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमें नहीं पता है लेकिन हमें ये पता है ब्लॉक का वजन तो होगा ना, वो फोर्स उतनी ही लगाएगा जितना उसका वेट है। तो वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो एम जी यहाँ पे लगा दिया और ये एरिया। नेक्स्ट फिर कैलकुलेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो कैलकुलेशन में मैंने वैल्यूज पुट की है यहाँ पे, वो 1 जो है मेरे पास मास था किलोग्राम में और इसी तरह से जो है यानी कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बनता है। ये जो है इसको मैं यूँ कह देता हूँ कि ये 1 और फिर ये किलोग्राम है, ऐसे इधर भी किलोग्राम आ जाएगा साथ किलोग्राम, तो एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन बन जाता है और ये वाला मीटर स्क्वायर ऊपर जाके दोबारा से यानी इधर मैं छोटा सा अगर हिंट दे दूं तो न्यूटन और ये ऊपर वाला जाके मीटर स्क्वायर, तो ऐसे ये वाला यूनिट पास्कल बन जाएगा। तो पास्कल आगे मेरे पास इसी तरह से जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी हम लोगों ने
वो क्या है, वो हमारे पास डेंसिटी है। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास का यूनिट वॉल्यूम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मास हमारा 1 किलोग्राम है और जो वॉल्यूम है वो हम लोगों ने नीचे लगा दिया। तो वॉल्यूम नीचे लगाने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में ये हमारे पास आंसर 889 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका आंसर आएगा।